यूपी में चौथे चरण में बंपर वोटिंग, 9 जिलों की 59 सीटों पर 61.52% पड़े वोट, लखीमपुर में सबसे ज्यादा तो 9 में सबसे कम हुआ मतदान। यूपी के चुनाव में 4 चरणों की लड़ाई हुई खत्म, 5वें चरण पर जोर आजमाइश, 5वें चरण में 11 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। यूपी में चुनावी दंगल के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान में जुटे दिग्गज, पीएम मोदी की 2 मेगा रैलियां आज, अमेठी और प्रयागराज में गरजेंगे पीएम मोदी। खत्म हुआ चौथे चरण का शोर, शुरू हुई 5वें चरण की भिड़ंत, गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में 3 रैलियां आज, बहराइच, बस्ती और अन्य जगहों पर करेंगे सभा। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां, 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या में रैली और रोड शो करेंगे योगी। यूपी की महाभारत में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तूफानी रैली, आज 4 जिलों का दौरा करेंगे अखिलेश यादव, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कुंडा, नौबस्ता में अखिलेश यादव की जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज करेंगी 2 जिलों का दौरा, बाराबंकी, कोंडा में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगी वोट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की 2 चुनावी जनसभाएं आज, चित्रकूट और मानिकपुर में स्वतंत्र देव सिंह की रैलियां। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का यूपी दौरा आज, कुशीनगर और पडरौना में करेंगे चुनावी जनसभा, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार, देवरिया और महाराजगंज में भूपेश बघेल की जनसभा, कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे भूपेश बघेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे यूपी के 2 जिलों का दौरा, कुशीनगर और वाराणसी में राजनाथ सिंह की रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे राजनाथ सिंह। यूपी चुनाव में शिवसेना की पहली जनसभा आज, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे आज करेंगे 2 जनसभाएं, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर में आदित्य ठाकरे की चुनावी सभा। प्रयागराज में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया बड़ा दावा, कहा यूपी समेत 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार। यूपी के कौशाम्बी में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा पहले की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, बीजेपी की सरकार में है कानून का राज। कौशाम्बी की जनसभा में सपा पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले सपा सरकार खानदानी महोत्सव मनाती थी, बीजेपी सरकार दीपोत्सव और रंगोत्सव मनाती है। पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों के राज में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया, सपा सरकार शासन नहीं शोषण करती है। 3 तलाक के बहाने पीएम मोदी ने साधा पिछली सरकारों पर निशाना, कहा 3 तलाक से त्रस्त थी मुस्लिम महिलाएं, हमने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दी। अमेठी के तिलोई में सपा पर बरसे सीएम योगी, बोले क्या साइकिल से बम लेकर नहीं गए थे आतंकी। सीएम योगी के सुल्तानपुर रैली से बेहद प्यारी तस्वीर आई सामने, सीएम योगी एक बच्ची को प्यार करते दिखे, बच्ची के साथ सीएम योगी ने फोटो ट्वीट की। देवरिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ धक्का मुक्की, बरहज इलाके में हुई बसों की, प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने की धक्का मुक्की। प्रयागराज की रैली में जेपी नड्डा ने विरोधी दलों पर निशाना साधा, कहा चुनाव के समय कई राजनीतिक दल समाज को विखंडित करके सत्ता हथियाने का काम करते हैं, सपा बसपा और कांग्रेस चलते हैं इसी राह पर। कुशीनगर में राजनाथ सिंह ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा 2017 में यूपी की अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ की थी, 5 साल में योगी जी ने 21 लाख करोड़ तक पहुंचाई। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया धरना, बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का जताया विरोध, सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। यूपी के रॉबर्ट्सगंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भूपेश चौबे ने जनता से मांगी माफी, कुर्सी पर खड़े होकर लोगों के सामने कान पकड़कर की उठक बैठक।
यूपी के सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद अभिनेता रवि किशन का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार सतीश द्विवेदी के समर्थन में जनता से मांगा वोट। गोंडा में जीत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा तीसरे चरण के बाद बीजेपी नेता ठंडे पड़ गए हैं, गोंडा में मतदान के बाद घरों में हो जाएंगे बंद। गोंडा की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले बीजेपी के नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, पहले चरण में ही पड़ गए हैं ठंडे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा तंज, कहा ये बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इन्हें हिंदी सिखानी होगी, काका यानी काले कानून बनाए गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा बाबा जी ने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट पहले की बुक करा ली है। डबल इंजन की सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, बोले डबल इंजन की सरकार में केवल महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ। किसान आंदोलन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले 750 किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार, फिर भी बीजेपी ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी। महंगाई को लेकर अखिलेश ने मोदी पर कसा तंज, कहा महंगाई का दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं, जिस घर में बेटा बेरोजगार हो उस परिवार का दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, कहा चुनाव के बाद सभी सांडों को गोरखपुर थकवाऊंगा, सभी सांड गोरखपुर जाएंगे, बाबा वहीं शंख बजाएंगे। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का विवादित बयान, कहा बाबा तुम्हें लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज, बोले जिनका परिवार नहीं वो क्या जाने परिवार का मतलब। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले 10 मार्च को गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल जाएगी, लोकतंत्र में बड़बोलापन होना अच्छी बात नहीं। गुड़गांव में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने किया चुनाव प्रचार, बोले यूपी में कांग्रेस को उम्मीद से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुशीनगर में जी मीडिया से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिन में सपने देख रहे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में सांड के बाद अब बंदरों की एंट्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा का झंडा तोड़ते हुए बंदर का वीडियो शेयर किया, लिखा बजरंग बली का यही संदेश, यूपी को नहीं चाहिए दंगेश। बलिया में हेलीकॉप्टर की तेज हवा के चपेट में आने से उड़ा बीजेपी का चुनावी पंडाल, एक दिन पहले नड्डा की सभा के दौरान गिर गई थी दीवार।